Good morning, sir. Good morning. How are you doing today? Very nice, thank you. May I know your name, sir? Dr. O.P. Arora. और आप आज हमारे बीच में कहाँ से आए हैं? मैं मैडम लुधियाना से आया हूँ, पंजाब से, और वहाँ पे माल रोड पे मेरा अरोड़ा न्यूरो सेंटर 80 बेडेड NABH एक्रेडिटेड न्यूरो साइंसिस सेंटर है, वेयर वी डू न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जी, न्यूरो रेडियोलॉजी, एंड वी हैव स्टाफ ऑफ ऑलमोस्ट 250 पीपल एंड टर्न ओवर इज ह्यूज. Wow, now that's incredible. So, like we all know, we have gathered here for a very specific and beautiful reason for, awaring people on the topic epilepsy. बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है. तो जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपको उनको साधारण भाषा में समझाना है epilepsy क्या है, तो वो आप क्या बताना चाहेंगे? मैडम, मैं थोड़ा सा different view से जाऊँगा. Epilepsy is a word used in German general terminology. In our medical sciences, it's called seizure. In Punjabi, it is called mirgi, ya agar bahut gehri dant chikkad ke dant khich jate hai to dant chikkad bhi kehte hai isko. So epilepsy is a very common problem, and almost 1.25% people, they suffer from epilepsy. It spares no group, no age bar, no sex bar, no area bar, no discrimination. Epilepsy doesn't do any discrimination. Same in Canada, same in America. So in Ludhiana, I may be having 25,000 patients on treatment. Treatment is for 3 years. And if you find at a time, there are 25,000. And in district mein, there are 50,000 patients. Okay. Ludhiana district mein. So you can know the scale, and the treatment has to continue for long term. More common in children, but it can happen at any age. And there are hundreds of causes of epilepsy and hundreds of varieties of epilepsy. It's not simple what we say as epilepsy, like I say, generalized ho gaya and all that. Simply kehna, oh mama, and yaad nahi hai. And just hugging somebody is epilepsy. Holding a book and book drops is seizure. Okay. Epilepsy. Chai peete ho, baar baar dolte rehte upar, aur फादर माछीवाड़ा से लेके आता है, ये बड़ी देर तक कुट खा चुके हैं जी, देखना. एंड आई नो कि इट इज़ ए पेटेड बॉल एपिलेप्सी, वेयर द हंड्रेड्स ऑफ अटैक पर डे एंड नोबडी इज़ अवेयर. एंड बच्चा 3 साल मार खाता रहा और 10 दिन दवाई दी, उसके बाद मुड़ के ही नहीं आया वापस. या सो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि अगर आपको मिर्गी का दौरा आता है, तो सिर्फ वन टाइम की मेडिसिन नहीं, इसको लॉन्ग टाइम प्रोसेस, जब तक हील नहीं होता तब तक करिए. वी से यूजली 2 to 3 years इज द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. एंड उसके बाद भी अगर ईजी नॉर्मल है, पेशेंट का फॉलोअप प्रॉपर है, और मैं तो कहता हूँ कि ईजी भी 3 साल से नॉर्मल चलनी चाहिए, देन वी शुड टेपर ऑफ ग्रेजुअली 2 to 3 years, मे बी 2 to 3 years, एंड टेपर ओवर ए पीरियड ऑफ नॉट मिनिम मोर देन और मिनिमम ऑफ 3 months. ग्रेजुअली बंद करने से यू कैन लैंड अप इन मेजर अटैक. और दोज पीपल हु सडनली स्टॉप मेडिसिन एंड डू नॉट टेक इट रेगुलरली, दे कैन हैव ए मेजर अटैक कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस, विच हैज ए मोर्टेलिटी ऑफ 20%, डेथ रेट ऑफ 20% विद दैट. ओके, एंड जस्ट अ वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड वॉन्ट टू आस्क यू, ये सबसे छोटी एज कौन सी होती है एपिलेप्सी जिसको हो सकता है? या वेरी गुड क्वेश्चन. एपिलेप्सी कैन हैपन इन द वॉम्ब ऑफ मदर, वेयर द फीटस और द न्यूबॉर्न इज इन द वॉम्ब एट 7 months ऑनवर्ड टू एंड ऑफ द एज. एज डिमाइज में भी बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी. ओ माय गॉड, सो यू आर सेइंग 7 महीने के बच्चे से लेके जब तक इंसान 7 महीने के बच्चे से नहीं, 7 महीने के फीटस, 7 महीने के फीटस से ही शुरू हो जाता है, अंदर माँ के पेट में भी हो जाते हैं. वाओ, नाउ दैट इज समथिंग जिसके बारे में हम बहुत लोग नहीं जानते हैं. और आज का रीज़न यही है कि आप लोग हमारी ये वीडियोस इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको वो हम बता सके जो अभी तक आपको पता नहीं था. सर, एक बहुत ही छोटा सा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी. हम सभी जानते हैं, सब डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर आपको अटैक आता है, अगर आपको फिट्स आते हैं और आप एपिलेप्सी से गुजर रहे हैं, तो आपको कीटो की डाइट लेनी चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाते रहना चाहिए. पर मैं आपसे वो जानना चाहूँगी, ऐसी कौन सी डाइट है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं खानी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए?
मैडम, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ एपिलेप्सी वेयर किटोजेनिक डाइट, मोर ऑफ फैट्स इज रिक्वायर्ड, दैट ऑल्सो दोज केसेज आर नॉट कंट्रोल्ड, अदरवाइज यू पुट द पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट, लेट हिम टेक द ट्रीटमेंट एट ए वेरी कम्फर्टेबल लेवल। पेशेंट की पहले काउंसलिंग करो, पेरेंट्स की पहले करो, अगली बार में पेशेंट की करो कि बच्चे आपने दवाई खानी है या बड़े आपने दवाई खानी है, दवाई तीस पहले मत उसको डरा दो शुरू में, वंस ही कम्स एंड देन दे इट बिकम्स ए रेगुलर फीचर फॉर द फैमिली दैट दे टेक द ट्रीटमेंट रेगुलरली एंड हार्डली मैटर, बट फर्स्ट फॉलो अप आफ्टर अर्ली विद इन मंथ, देन एवरी थ्री मंथ्स ही कीप्स ऑन कमिंग एंड देयर आर पीपल फ्रॉम कैनेडा, अमेरिका, यूएसए, वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट से मिलना अपॉइंटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। ऑनलाइन भी उनको ही हम ट्रीट करते हैं, डेली 5 पेशेंट में कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मिडल ईस्ट, सब जगह से एंड ऑल ओवर ग्लोबली इन इंडिया आई ट्रीट पेशेंट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो एंड माई लुधियाना पेशेंट्स आर ओनली 15-20% ऑफ माई टोटल ओपीडी बिकॉज दे कैनॉट वेट लॉन्ग एंड द मोस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटिंग एपिलेप्सी दे आर कंसंट्रेटेड इन टाउन्स, सो बाहर लोग बहुत कम है जो कि समझते हैं, और ईजी हर जगह लगी होती है पर किसी को पढ़ना नहीं आता, मनी मनी मेंटिंग काइंड ऑफ थिंग, सो वेरी फ्यू पीपल कैन रीड इट, डायग्नोज इट प्रॉपरली, मेक द प्रॉपर, बिकॉज देर आर वराइटीज एंड देर आर मोर देन 20 ड्रग्स दीज डेज अवेलेबल, एडिक्वेट प्रॉपर ड्रग इन प्रॉपर डोजेज विद प्रॉपर मॉनिटरिंग इज द हॉल मार्क ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट डजेंट स्टॉप स्टिल आफ्टर क्योरिंग, बट वी डोंट कॉल इट क्योर, वी कॉल इट क्योर दैट इफ फॉर 5 years और 10 years द अटैक हैज नॉट अकर्ड, बट स्टिल आफ्टर दैट ऑल्सो 10-20% मे गो फॉर अटैक एनी टाइम, मे बी नींद नहीं आई, मे बी ड्राइविंग एक्सेसिव होगी, मे बी लाइट्स ब्राइट पड़ रही है, सो दीज आर द केसेज एंड अदरवाइज ऑल्सो इट कैन हैपन। Thank you so much, sir. I think that was very informative for the entire audience that is watching us right now. Thank you so much for your knowledge, sir. Thank you. Thank you.